नमस्कार दोस्तों, अगर आज का मेरा ये नुस्खा आप आजमा लेंगे तो 2 मिनट में आपके दांत का दर्द छू मंतर हो जाएगा। और दांत के दर्द के साथ साथ अगर आपको पायरिया की समस्या है या आपके मुंह से दुर्गंध आती है या फिर आपके दांतों में भी ठंडा गर्म लगने की तकलीफ है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल 2 मिनट में गायब हो जाएंगी। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, ये तकलीफ आजकल के हर छोटे से बड़े इंसान को होने लगी है तो इस वीडियो को जमकर करिएगा शेयर, ताकि इस वीडियो को ध्यान से सुनकर बाकी लोग भी अपनी जिंदगी को आसान बना सके और अपने दांत दर्द को दूर भगा सके। तो चलिए शुरुआत में जानते हैं कि दांत दर्द होता क्यों है। हमारे दांतों में या तो कैल्शियम की कमी हो जाती है और दूसरा बड़ा कारण क्या होता है, हमारा पेट यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना। पाचन तंत्र कैसे हमारे दांत दर्द से जुड़ा है, अब वो बताती हूँ मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में। जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है तो जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में सड़ने लगता है, हमारी छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में भी दोनों में सड़ने लगता है, पचता नहीं है। ना पचने की वजह से हमारे दांतों में उसकी वजह से सड़न आने लगती है, पायरिया की समस्या होती है, मसूड़ों में दर्द रहने लगता है, खून आने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो जो ये दांत दर्द की जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारा पाचन तंत्र कमजोर होना। तो अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त करें। और दूसरी इसकी बड़ी वजह है, जब हम दांतों को ठीक से साफ नहीं करते, हम जल्दबाजी में बहुत अच्छे तरीके से ब्रश करना भूल जाते हैं और बहुत जल्दबाजी में ब्रश करके निकल जाते हैं। ब्रश करने से आपकी ऊपरी सतह तो साफ हो जाती है, लेकिन आपके दांतों के बीच में जो दांत से दांत जुड़ा होता है उनके बीच में जो खाना फंसा रहता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। और उस सड़न को दूर करने के लिए हम, जब हमारी वो सड़न ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों में से खून आने लगता है। और उसके लिए हम जाते हैं सीधा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, आपके दांतों पे मशीन फेर के आपके दांतों की लेयर उतार देता है। लेकिन उस लेयर के उतरने से जो आपके दांतों में एक लेयर उतर गई जो कुदरत ने बनाई थी, वो अगर आपने लेयर उतार दी तो उससे क्या होता है, आपको ठंडा गर्म की समस्या होने लगती है, आपके दांत पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, आप कोई भी सख्त चीज खा नहीं पाते और आपके दांतों में दर्द होने लगता है। तो जो लोग ये अपनी ऊपरी सतह हटवाते हैं, दांतों को क्लीन करवाते हैं मशीन से, आप उनसे पूछ के देखिएगा, उनको ये सारी तकलीफें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आज का मेरा ये घरेलू नुस्खा आपकी दांतों की सारी तकलीफों को दूर करेगा। तो आपने कभी भी जब दांत दर्द होना है, पेन किलर खा के उसको दबाना नहीं है या दांत को निकलवाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दांत को निकलवाते हैं। दांत निकलवाना एक सलूशन नहीं, क्योंकि आपने देखा है जब आप एक दांत निकलवाते हैं तो दूसरे दांत में भी आपकी सेम प्रॉब्लम आती है, तो क्या आपने पूरे मुंह के दांत निकलवा देंगे, नहीं ना। और दांत निकलवाने से क्या होता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा पाचन से रिलेटेड समस्या आने लगती है, उनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाना हजम होना बंद हो जाता है और भी बहुत तरह की तकलीफें आती हैं। तो दांत दर्द या पेन किलर निकलवाना सलूशन नहीं, बल्कि घरेलू नुस्खा एक ऐसा उसका परमानेंट सलूशन है जो उसको हर तरह से खत्म कर सकता है बिना आपको नुकसान पहुंचाए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है। फिटकरी आपको मार्केट से खरीदनी है। फिटकरी जो होती है वही जो हमारे जो पापा और भैया होते हैं जो शेविंग के टाइम यूज करते हैं, आपको वो फिटकरी लेनी है। उस फिटकरी का आपने पाउडर नहीं लेना, फिटकरी लेनी है, घर पे उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपको उसका पाउडर बनाना है और आपने आधा ग्लास नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपने 1/4 पाउडर को डालना है, अच्छे से घोलना है। जब आपके दांत में दर्द हो तो सुबह शाम उससे कुल्ला करना है, और जब आपने फिटकरी वाला पानी से कुल्ला किया अच्छे से तो उसके 15 से 20 मिनट तक आपको कुछ खाना नहीं, ताकि वो फिटकरी का जो असर है वो आपके दांतों पे रहे। इससे आप एक हफ्ता में नोटिस करेंगे कि आपके दांत का दर्द, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, आपको कोई भी टाइट चीज जो आप चबाते थे जो दर्द होता था, वो सब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक हफ्ते बाद आप उसको यूज करना छोड़ दें, रेगुलर इस्तेमाल ना करें, और फिर कभी आपको दोबारा ये तकलीफ होती है तो उसके लिए आप दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि दांतों के लिए, जो आपके दांत कमजोर हो गए हैं, एक तो आप अच्छे तरीके से अपनी डाइट में कैल्शियम लें, और जो भी खा रहे हैं उसके बाद उंगली मार के दांतों में कुल्ला जरूर करें। ब्रश तो आप सुबह शाम ही करेंगे, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में ब्रश तो लेके जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, जैसे ही आपने कुछ खाया उसके 5 मिनट बाद ही आप फट से कुल्ला कर लें दांतों में अच्छी तरीके से उंगली फेर के। क्योंकि जैसे जो आप खाएंगे, जब आपने वो कुल्ला कर लिया, आपने उंगली फेर के, आपके दांतों से वो चीज निकल गई, तो वो जब निकल जाएगी तो सड़ेगा नहीं, और सड़न की वजह से आपके दांतों में ना तो पीलापन आएगा,
ना ही मुंह से दुर्गंध आएगी और ना ही आपको पायरिया की समस्या होगी और ना ही आपका फ्यूचर में दांत सड़ेगा और आपके दांत टाइम से पहले गिरेंगे भी नहीं, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। दूसरा नुस्खा ये है कि जब भी आपके दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, तो प्याज का जो रस होता है उसको घिसिए, उसका रस निकालिए और तुरंत अपने दांतों पे इमीडिएटली अपने दांतों पर अप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि प्याज का रस निकाल दिया और बाद में लगा रहे हैं। इससे आप खुद नोटिस करेंगे कि जो आपका दांत का दर्द था वो बिल्कुल चला गया है, आपके मसूड़ों से जो खून आ रहा था वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तीसरा नुस्खा ये है कि आपने नमक का इस्तेमाल करना है। नमक में एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुण होता है जो दांतों की कैविटी को खत्म करता है। इसके लिए आपने एक चम्मच नमक गर्म पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करना है। ऐसा आपको एक दिन में 2 से 3 बार करना है और जब भी आप कुल्ला करते हैं उसके इमीडिएटली बाद आपको कुछ भी चीज नहीं खानी है। तीसरा उपाय आपका ये है कि आपको लेनी है हल्दी, 25 ग्राम आप ले लीजिए, उसमें मिलाइए सरसों का तेल, उसको अच्छे से पेस्ट बना के रख लीजिए। आपको रात को सोने से पहले जब भी आपके दर्द हो रहा है जितने दिन के लिए, तो आपने क्या करना है, जैसे आपके आज दांतों में दर्द है तो आपने उस पेस्ट को अपने दांतों में मलना है, उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, सो जाना है और सुबह उठ के कुल्ला कर लेना है। तो हल्दी क्या करेगी, आपके दांतों को मजबूत बनाएगी, मसूड़ों की जो सूजन है उसको खत्म करेगी, पायरिया की प्रॉब्लम को दूर करेगी और आपकी कैविटी को हटाएगी, जड़ से खत्म करेगी। तो आप इनमें से कोई भी टिप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपकी जो दांतों की तकलीफ है, दांतों के कीड़े हैं, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, पायरिया, ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और जो आपको मैंने टिप्स दी हैं उनको भी जरूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक और चीज बता देती हूँ, लहसुन का इस्तेमाल आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन की 1 से 2 कलियां हर रोज कीड़े वाले दांत से चबाएं। इससे जो भी आपकी लार बनेगी वो लार धीरे धीरे आपके दांत में जाएगी, कीड़े वाली जगह पे जाएगी और आपका दांत का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ नया देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को कर दीजिएगा जमकर शेयर क्योंकि ये तकलीफ हर किसी को होती है, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करेगा क्योंकि दूसरे की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपके सिर्फ एक वीडियो शेयर करने से। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।